प्रीति, अभी तो बच्चे भी नहीं आए हैं। आज हम लोग बच्चों से किस विषय पर चर्चा करेंगे? क्यों ना हम बच्चों के ही पुस्तक कलरव कक्षा 5 में हाँ। जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा हुआ पत्र है हाँ हाँ। दास्ताने अमेरिका, उसके बारे में बच्चों को बताएं। इससे उन्हें अमेरिका के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगी। बच्चे भी आ गए। आओ बच्चों, आओ बैठो यहाँ पे, जल्दी जल्दी बैठो। बच्चों, तुम्हारी पुस्तक में एक पत्र है, पता है तुम्हें? हाँ। यह पत्र स्वामी विवेकानंद जी ने 1894 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका से शशि को लिखा था। शशि भारत में रहती थी और उन्होंने अपने इस पत्र में अमेरिका के बारे में बहुत कुछ बताया। विवेकानंद जी ने लिखा कि प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए। रामकृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ, यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो कि महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। महापुरुष किस लिए आते हैं? शिक्षा देने के लिए। हाँ, महापुरुष नाम करने के लिए नहीं आते, वो शिक्षा देते हैं, हमें सदमार्ग पर चलना सिखाते हैं। परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। बस यही है संसार का इतिहास। और बच्चों, स्वामी जी ने लिखा था, निरंजन ने लाटू के लिए गरम कपड़े मांगे हैं। यहाँ वाले गरम कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। अच्छा? जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वही कपड़े कोलकाता में चौथाई कीमतों पर मिल जाएंगे। सच्ची? हाँ, बिल्कुल सच्ची। अपने भारत से कपड़े कहाँ जाते? अमेरिका। हाँ, अमेरिका। और अपने भारत में तो सस्ते कपड़े मिलते। अच्छा, एक और मजेदार बात कि यह भी बहुत बड़ा मजेदार देश है, अमेरिका बहुत मजेदार देश है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी पड़ रही है, हैं? और आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी, तो शाम को इलाहाबाद में माघ जैसा जाड़ा। हाँ, और यह सब 4 घंटे के अंतराल में हो जाता है। हाँ, 4 घंटे पहले गर्मी और 4 घंटे बाद जाड़ा। हाँ। और यहाँ पे कई प्रकार के फल मिलते हैं। हाँ। फल खाना पसंद है तुम लोगों को? हाँ। केले, संतरे, अमरूद, सेब। सेब खाया है? हाँ। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। हाँ भाई, तुम लोगों के लिए भी अभी मंगाएंगे। बादाम, किशमिश, अंगूर और अनानास तो बहुत सारे मिलते हैं। अच्छा? हाँ, लेकिन आम और लीची नहीं मिलते। ओह, वो तो हमारे भारत में मिलते हैं। पसंद है तुम लोगों को? हाँ। एक बात और विवेकानंद जी ने लिखी कि एक तरह का साग है। अरे, साग का नाम सुनकर कैसे मुंह बना लिया? भाई, साग से हमें ताकत मिलती है। अमेरिका में भी एक तरह का साग है, उसे स्पिनाक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिनाक। हाँ, जिसे पकाने पर हमारे देश के चौलाई की तरह स्वाद आता है। कैसा है? चौलाई की तरह। हाँ, चौलाई की तरह स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का भी साग है जिसे एस्पेरेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पेरेगस। हाँ, और यह मरसा के डंठल की तरह होता है। कैसे होता है? मरसा के डंठल की तरह। हाँ। अच्छा, एक बात यहाँ की और महत्वपूर्ण है कि यहाँ उड़द की या दूसरी दाल नहीं होती। ओह। हाँ, उड़द की दाल हमारे भारत में ही मिलती है और यहाँ लोग तो उड़द की दाल के बारे में या दूसरी दाल के बारे में जानते भी नहीं। अच्छा, लेकिन यहाँ दूध मिलता है, दूध मिलेगा और दही कभी कभी मिलेगा। ओह। और यहाँ मट्ठा खूब प्रचुर मात्रा में मिलता है। अच्छा। आव भगत भी मट्ठा से की जाती है। अच्छा, अच्छा। और आइसक्रीम? सबको खाना पसंद है ना? आइसक्रीम की बात मत पूछो, तरह तरह की आइसक्रीम मिलती है, बड़ी बेशुमार आइसक्रीम मिलती है यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात भी है जिसे नियाग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? नियाग्रा। हाँ, विवेकानंद जी ने लिखा कि नियाग्रा 7-8 दफे तो देख चुका हूँ। विवेकानंद जी 7-8 दफे नियाग्रा देख चुके थे। हाँ, तो वो उन्होंने लिखा है कि यह निसंदेह बड़ा सुंदर है, लेकिन जितना तुमने सुना है उतना सुंदर नहीं है। अच्छा, अब अंत में विवेकानंद जी ने एक संदेश भी दिया है।
उन्होंने लिखा है, उठो जागो, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो उसके लिए रुको नहीं, आगे बढ़ते रहो। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है या आलसी है, उसके लिए नरक के समान है जीना। जिन्हें अपने आराम की सूझ है, आलसी है, अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, वो सबका सिर झुका देते हैं, वे हमारे किसी काम के नहीं। इसलिए हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और आलस को त्याग देना चाहिए। केवल अपने लिए ही काम नहीं और आलस तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस पत्र के बारे में तुम्हें समझ में आया? हाँ। अमेरिका के बारे में क्या क्या बातें बताई गई? हाँ। अभी पता लगेगा जब प्रीति तुमसे प्रश्न पूछेंगी। तो अब मैं इस पत्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछती हूँ। तैयार हो तुम लोग? हाँ। अच्छी तरह प्रश्नों के उत्तर देना। अच्छा, तो ये बताओ, ये पत्र किसने कहाँ से लिखा था? विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका से शशि को लिखा था। हाँ, बिल्कुल ठीक। स्वामी विवेकानंद जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से सन 1894 में शशि को लिखा था। यह पत्र सन 1894 में स्वामी विवेकानंद जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिखा था। हाँ। अब दूसरा प्रश्न पूछो। स्वामी जी ने अमेरिका से गर्म कपड़े भेजने को क्यों मना किया? क्योंकि भारत से ही अमेरिका में कपड़े जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उस समय अमेरिका गर्म कपड़े यूरोप एवं भारत से मंगवाता था, जो वहाँ बहुत महंगे बिकते थे। अच्छा, किन सागों का वर्णन स्वामी जी ने अपने पत्र में किया था? स्पिनाच और एस्पैरेगस। बिल्कुल सही। स्पिनाच इसे पकाने पर हमारे देश के चौलाई के साथ का स्वाद आता है और एस्पेरेगस यह मुलायम मरसा के डंठल की तरह लगता है। अमेरिका का मौसम क्यों मजेदार है, अब ये तो बताओ। क्योंकि वहाँ बहुत जल्दी ठंडी और बहुत जल्दी गर्मी। हाँ, 4 ही घंटे में मौसम में परिवर्तन हो जाता है, इतना कभी बहुत गर्मी पड़ती है और कभी बहुत ठंडी। क्या अपने भारत में भी ऐसे मौसम परिवर्तित होता है? नहीं। हाँ, स्वामी जी कहते हैं कि सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी और एकदम से इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा, 4 घंटे में इतना परिवर्तन होता है। अच्छा, कौन कौन से फलों का विवरण स्वामी जी ने अपने पत्र में किया था? केला, सेब, अंगूर, काजू, आम, किशमिश। अच्छा, केले, संतरे, अमरूद, बादाम, किशमिश और अंगूर। दोस्तों, 1894 में अमेरिका में भारत से कपड़े मंगाए जाते थे और अब तो काफी समय हो चुका है, बहुत सारी चीजें परिवर्तित भी हो चुकी हैं। तो हमने जाना कि वहां किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं और कहाँ से मंगाए जाते थे? भारत से। वहाँ के फलों के बारे में जाना, हमने वहाँ की सब्जियों के बारे में जाना, हमने वहाँ की जलवायु के बारे में जाना। तो अब अच्छी तरह से लिख सकते हो तुम लोग। हाँ। और सबसे अंत में हमने क्या जाना? कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और आलस को त्याग देना चाहिए, अपने काम में डट के आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें यही विवेकानंद जी द्वारा दिया गया मूल मंत्र, बिल्कुल उसी पर चलना चाहिए कि हमें आलस नहीं करना है और निस्वार्थ भावना से दूसरों की सहायता करनी है।